इसलिए सुख की कामना तो आदमी शुरू से करते आए, क्या एजुकेशन नहीं, आज जितने प्रकार के एजुकेशन का सिस्टम है वो सेंसरी एजुकेशन है, बाहर से सजेस्ट करके हम सिखाते हैं, भीतर की कुशलता बढ़ाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि आज शिक्षा है दीक्षा नहीं है। जब ज्ञान शिक्षा और दीक्षा दोनों के द्वारा पोषित होगा तो हमारा इंटरनल सिस्टम विकसित होने से हम जो ज्ञान हासिल करें उसको एसिमुलेट करने की हमारे अंदर में शक्ति होगी और हमारे देश की, हमारे दुनिया की रिसर्च करने की शक्ति बढ़ेगी। कहते हैं कि जर्मनी में एक ऐसा समय था कि अगर किसी छत पर खड़ा होकर कोई कंकड़ नीचे फेंके तो या तो किसी पीएचडी के सिर पर गिरता था या किसी कुत्ते के, इतने चिंतन करने वाले आदमी थे वहां पर। जो मन से काम करता है, चिंतन का काम करता है, उसको बोलते हैं श्रमण। तो शब्द है ऐसे लोग जहां पर, जिस देश में ऐसे लोग रहते हैं वो शर्मानिया उसको बोलते हैं, उसी से, क्योंकि श का उच्चारण नहीं कर सकते, सब बिकेम जर जौ, श्रमणों का देश हो गया जर्मनी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का कलेक्टिव मेंटल फोर्स रिसर्च में लगे, नई नई खोज में लगे, हमारे चिंतन की गंभीर करने, चिंतन करने की शक्ति बढ़े, तो हमको बच्चों को, रिसर्च स्कॉलर्स को, उनका अतिमानस कोष पुष्ट करना होगा। नुकसान इसमें कुछ नहीं है, धारणा के द्वारा, तत्व धारणा के द्वारा धारण करने की शक्ति जितनी बढ़ेगी मन उतना ही सूक्ष्म होगा और माइंड इतना ही पॉइंटेड होगा, उसमें डीप थिंकिंग आएगी और नई नई खोज आदमी